नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्वाला, स्वागत है आपका स्मार्ट टेक इन्फो में। दोस्तों आज मैं आपको फायरबोल्ट, ये देखिए फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच में वेदर जो ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों ने मुझे यही बताया है कि वेदर ऑप्शन यहां पर नहीं आता है, वहां पर इरर आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूं। तो इस वीडियो में बने रहिए पूरा एंड तक, छोटा सा वीडियो है, आपको कैसा वेदर सेट करना है, कैसा वेदर ऑप्शन दिखाई देते हैं पूरा डिटेल में बताऊंगा इस फायरबोल्ट के स्मार्ट वॉच में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, यह है फायरबोल्ट का स्मार्ट वॉच। यहाँ पर ये देखिए ऊपर और ऊपर यहाँ पर वेदर ऑप्शन, ये देखिए क्लिक दिख रहा है आपको। देखिए 26 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर बता रहा है। यहाँ पर ये देखिए वेदर ऑप्शन में आप देख सकते हो पूरा, ये देखिए, और यहाँ पर आपको डिटेल बताएगा। ये देखिए डिटेल पूरा वेदर आपको वेडनेसडे, थर्सडे, आगे के चार दिन के एक्स्ट्रा फोरकास्टिंग वेदर आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये इतना पूरा डेप्थ में आपको डिटेल में आएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो आपको ये क्यों नहीं आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा फंडा है, आपको क्या करना है, अगर से वेदर ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच को एक बार रिसेट करना है। तो कहाँ से करना है रिसेट, यहाँ पर आना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर नीचे आ जाइए और नीचे आ जाइए, ये मोर में जाना है आपको, ये मोर में क्लिक किया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रीस्टार्ट है, रीस्टार्ट नहीं करना है, पावर ऑफ नहीं करना है, और नीचे रीसेट, रीसेट को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो बस ये पूरा जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। फिर से रीसेट होने के बाद आप तब क्या करना है, एक बार आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट करना है। जी हाँ, इंटरनेट चालू करके आपके मोबाइल में डाफिट ऐप में जाकर इसको डिवाइस से कनेक्ट कर देना है, जैसा मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया था कि कैसे कनेक्ट करना है। तो वैसा आप कनेक्ट करते ही फिर तब जाकर आप वेदर चेक कीजिए, वहां पर आपको जरूर वेदर दिखाएगा। और 100% डैम श्योर डाफिट ऐप में आपका जो सिटी है वहां पर आप डाल सकते हो, वहां पर जैसे आप डालोगे यहां पर आपको दिखाएगा उस वेदर का। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको बताया, इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, या वेदर ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा हो, कोई दिक्कत हो रही हो तो ज़रूर मुझे पूछे, मैं फोकस तो ज़रूर मुझे पूछे, मैं आपको बता दूंगा कि कैसा क्यों नहीं हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए, तो आपको वेदर ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए मैं आपको बता दूंगा कि वेदर ऑप्शन क्यों आपको नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, ऐसा क्यों वेदर नहीं दिख रहा है आपके फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच में। ये देखिए फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच है, मैं आपको निकाल कर बता दूंगा ताकि आपको पूरा क्लियर कट पता चले कि भाई मैं आपको फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच ही बता रहा हूँ। ये देखिए, ये पीछे की ओर, ये सामने की ओर। तो दोस्तों बस ये एक छोटा सा वीडियो था फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच पर, वेदर कैसे सेट करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, कोई भी इशू हो, डाउट्स हो, क्वेरी हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स पूछे, मैं आपको तुरंत वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।